न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी हो गया है और लगातार समाजसेवी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही आज एक समाजसेवी अमित वर्मा जी, जो एक स्टील इंडस्ट्री के मालिक हैं जगाधरी के, लेकिन पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनो, ऐसा एक संदेश लेकर अमित वर्मा जी अपनी गाड़ी में जगह जगह पर ये बोर्ड लेकर निकल पड़ते हैं जिसपे ये संदेश लिखा गया है। अमित वर्मा जी, और लगातार आप रविवार के दिन पौधे भी लगाते हैं, पौधों का वितरण भी करते हैं, देख सकते हैं लोगों को ये होर्डिंग दिखाते हैं कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, एक संदेश लेकर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं लोगों को। एक बहुत बढ़िया मानवता का कार्य, पर्यावरण को बचाने का कार्य, देख सकते हैं अमित वर्मा जी खड़े हुए हैं। एक फैक्ट्री के संचालक हैं, एक इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक समाज सेवा का भाव, पर्यावरण को बचाने का भाव इनके मन में है। पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, हर आते जाते वाहन चालकों को, हर आते जाते गाड़ियों को ये देते, और लोग भी बड़े प्यार से इनका संदेश पढ़ते। मैं देख रहा था अभी कुछ पैदल चल सवार लोग थे, उनका धन्यवाद भी कर रहे थे और सिर हिलाते हैं कि भाई हाँ भाई, आपका ये संदेश हम स्वीकार करते हैं। हर कोई वाहन चालक जरूर इनके इस संदेश को पढ़ता है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पीपल, बड़ और नीम के ऊपर विशेष जोर अमित वर्मा जी देते हैं। ये देख सकते हैं कि जो भी वाहन चालक आता है या पैदल सवार, तो उनको ये बोर्ड दिखाते हैं और पेड़ लगाने का संदेश दे, देख सकते हैं आप। लोग इनसे बातचीत भी करते हैं और अपना बताते हैं भी, उनको आश्वासन भी देते हैं कि हम वास्तव में पेड़ लगाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों। कोई सरकारी ड्यूटी नहीं है इनकी, लेकिन अपनी ड्यूटी है, अपना कर्तव्य समझते हैं और नमस्ते कर करते देखिए देखिए लगातार अपने माइक के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और लोग बाग भी अंगूठा दिखाकर यस ओके करके जो है उनके संदेश को सुनते हैं और देखते भी हैं। तो चलिए अब उनसे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर धूम में खड़े हुए हैं, मैं काफ़ी देर से इन्हें देख रहा था, और नमस्ते राम राम करते लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, देख सकते हैं। कोई हिंदू या मुसलमान, सबको ये दुआ सलाम करते हैं और अपना इश्तिहार उनके सामने करते थे, और बताते हैं कि वो लगातार पेड़ तो बांटते भी हैं और पेड़ लगाने का संदेश देते ही हैं और पेड़ का वितरण भी करते हैं। चलिए अमित वर्मा जी से एक छाया में ले जाकर उनको बात करेंगे। जी अमित वर्मा जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी देर से, आधे पौने घंटे से मैं देख रहा हूँ धूम में आप खड़े हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, मैं अमित वर्मा जगाधरी से। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए मेरा एक संदेश मेरे देशवासियों के लिए, मेरे गाँववासी, मेरे शहरवासियों के लिए। जी, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा तापमान जो बढ़ा है, तो उसको देखते हुए मेरा एक संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं। पेड़ होगा तो मौसम बनेगा, बारिश होगी और पीने के पानी की भी कमी नहीं होगी। तो मेरा यही एक संदेश, यही मैं संदेश देने आया हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो कितने समय से अमित वर्मा जी ये कार्य कर रहे हैं आप? सर मुझे साढ़े तीन चार महीने हो गए हैं। अभी अभी नया ही काम स्टार्ट किया, तो ऐसा क्या मन में आया आपके, भाई ये ऐसा मैं संदेश दूं लोगों को? सर इस बार तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा है जी, बहुत गर्मी हुई है जो बर्दाश्त से बाहर हुई है, तो उसको देखते हुए एक मुहिम, एक हिम्मत सी जागी कि कुछ सेवा करें, कुछ संदेश दे कि पेड़ पौधे लगाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए। तो उसके लिए मैं आया खड़ा हुआ कि संदेश दें लोगों को, जनता को कहे कि पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। तो दिन का कितना समय इस कार्य में आप लगाते हैं? सर मैं 1-1.5 घंटा लगाता हूँ। सर मैं अपनी स्टील की फैक्ट्री है जगाधरी, काम खत्म होने के बाद जिस शहर में, जिस गांव में जाते हैं, वहाँ बोर्ड ले जाते हैं अपना, ठीक है, तो काम खत्म होने के बाद एक संदेश देते हैं कि पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। जी 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 जी, तो पेड़ों का वितरण भी करते हैं आप, जैसे बता रहे थे अभी ऑफ गार्ड। हाँ जी हाँ जी, तो सर हम लोग क्या करते हैं, संडे का दिन निश्चित करते हैं, संडे के दिन हम लोग अपना पेड़ पौधे बांटते हैं अपनी, अपने क्लाउड टेक के नाम से एक संस्था है, लाइव हर्बल के नाम से, तो सभी मिलकर हम लोग पेड़ पौधे बांटते हैं और सेवा करते हैं, संदेश देते हैं। तो स्कूलों में भी जाते होंगे संदेश लेकर ये? हाँ जी, नहीं सर, स्कूल्स में नहीं, चौक्स पे खड़े होते हैं सर। अच्छा, चौक्स पे या दुकानों को होर्डिंग दिखा दिया कि पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए सर। जी 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 जी, तो ये संदेश हम लोग देते हैं सर लोगों को। तो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कोई समाज भी बड़ा अप्रिशिएट करता होगा आपको इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल अप्रिशिएट भी करता है सर, मान सम्मान भी मिलता है सर, और लोग लगा भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ 3-4 महीने से बहुत लोग जागरूक हुए हैं पेड़ पौधों के लिए, और लगा भी रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं सर, लग भी रहे हैं पेड़ पौधे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, पेड़ पौधे लगाने के बाद आप लोग उनकी केयर भी करें, जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, वैसे इनकी भी केयर करें और समय पर पानी डालें। किसी वंश, अगर हम वहाँ नहीं जा पाते, तो आसपास किसी की दुकान हो, मकान हो, आप उनको कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पानी डालें और इनकी सेवा करें। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो सर वो पेड़ पौधा कुछ टाइम में मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा और आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पेड़ पौधे
बांटे भी, लगाए भी और सेवा करें। सर मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। ढूंढता हूँ अपने निशा है कहाँ, है कहाँ। तो सभी से विनती है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, यही समय है पेड़ पौधे लगाने का। अभी एक महीना रह गया है पेड़ पौधे लगाने में और पेड़ पौधों का सेवा करने में। तो इसी समय आप लोग पेड़ पौधे लगाइए और उनकी सेवा करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे प्रेरणा लेकर हम भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक अमित वर्मा जी से प्रेरणा लें और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस पर्यावरण को बचाएं ताकि अमित वर्मा जी की ये मुहिम कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।